9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई हैं। सारा कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपनी आवाज में मौजूद है। राणा सनाउल्ला ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला का कहना था कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकता हूं कि ये सारा कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपनी आवाज में मौजूद है। वजीर दाखिला ने कहा कि वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अदालत को भी शायद दरख्वास्त करनी पड़े कि इस गुफ्तगू और सबूत को ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ कि सारा कुछ खान साहब की अपनी आवाज में जो है वो मौजूद है। ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू जो है, मेरा ख्याल है कि अदालत को भी शायद ये रिक्वेस्ट करनी पड़े कि जी आप इन कैमरा जो है इस गुफ्तगू को या इस एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड कर दें। राणा सनाउल्ला ने कहा कि पीटीवी पर हमला किसने किया था, इस शख्स ने अब जमान पार्क में बैठकर साजिश तैयार की, किसने 2014 में रियासत के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक की बात की थी, चंद लोगों को जमान पार्क में तरबियत दी गई। वजीर दाखिला ने कहा कि ये शख्स कहता था कि उसका गिरफ्तार होना रेड लाइन है, ये शख्स कहता था इसको गिरफ्तार किया गया तो रियासत को तहस नहस कर देगा, ये कहते हैं उनके साथ सियासी वर्कर के तौर पर बर्ताव किया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर एक आदमी रियासत में ये कहे कि मेरा गिरफ्तार होना जो ये रेड लाइन होगा और अगर रियासत मुझे गिरफ्तार करेगी तो उसके बाद जो है वो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो रियासत को जो है वो तहस नहस कर दिया जाएगा। राणा सनाउल्ला ने मजीद कहा कि इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी, अब ये सियासी और इंसानी हकूक की बात करते हैं, इन लोगों के ताने बाने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलते हैं, इंक्वायरी को मुकम्मल करने में वक्त लगेगा, जिसके खिलाफ जो शवाहिद मिलेंगे कार्रवाई होगी, बगैर सबूत लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा।